फर्स्ट एग्जांपल, कैलकुलेट टेम्परेचर इन केल्विन. जब हम ये लॉ यूज करते हैं स्टीफन लॉ, उसमें जो टी फॉर टेम्परेचर वो केल्विन में मेजर होता है. तो कैलकुलेट टेम्परेचर इन केल्विन एट विच परफेक्टली ब्लैक बॉडी रेडिएट्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 5.67 वॉट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर. वॉट्स क्या होता है? एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया. तो ये क्या है? परफेक्टली ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर है, कैपिटल ई है ये. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आधे यूनिट वॉट्स में, आधे सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके एसआई सिस्टम बना लेते हैं. तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर हमें दे दी. हमें बॉडी का क्या पूछा? उसका टेम्परेचर. तो फॉर्मूला क्या है स्टीफन का? ई इक्वल टू सिग्मा इनटू टी की पावर 4. तो टेम्परेचर की वैल्यू ई अपॉन सिग्मा रेज टू पावर 1/4 फोर्थ रूट आएगा. एमिसिव पावर पता है, स्टीफन कॉन्स्टेंट पता है. सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके दो बार अंडर रूट लेके, 1/4 का मतलब दो बार अंडर रूट लेना, 1/2, 1/2. तो आंसर क्या आएगा? 1000 केल्विन. मेथड समझ में आ रहा है कि एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया अगर गिवन हो और टेम्परेचर की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड. कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ल्यूमिनोसिटी ब्राइटनेस होती है. ल्यूमिनोसिटी का मतलब होता है कि एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया. तो ये एमिसिव पावर ही होती है. एमिसिव पावर इज सेम एज ल्यूमिनोसिटी. तो ल्यूमिनोसिटी और एमिसिव पावर एक ही बात है. तो वो कह रहा है ल्यूमिनोसिटी ऑफ अ स्टार इज 17,000 दैट ऑफ आर सन. तो एमिसिव पावर स्टार की सन से 17,000 गुना ज्यादा है. तो इसकी रेशियो की बने इसमें. तो भाई काम करते हैं, टेम्परेचर ऑफ द सन तो पता है, टेम्परेचर ऑफ स्टार निकाल दो. अब इसमें एमिसिविटी नहीं गिवन, हमें ये नहीं पता लग रहा कि स्टार, हमें ये नहीं पता लग रहा कि सन परफेक्टली ब्लैक बॉडी है कि नहीं. अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हाँ वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है. ठीक, आप ले लें, कोई दिक्कत नहीं है. तो आप अगर इमेजिन, अगर आप सपोज करो स्टार की बात करते हैं, तो स्टार अपने अंदर से कितनी एनर्जी एमिट करता है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया? सिग्मा इंटू उसका टेम्परेचर इज टू पावर 4. और सन के लिए E2 एनर्जी बाहर आ रही है पर सेकंड पर यूनिट एरिया, सिग्मा इनटू टी 2^4. और अगर कोई कहते हैं सर ऐसे कैसे परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, क्या पता कोई और बॉडी हो, हाँ तो ले लो फिर. अगर एमिसिविटी लेनी है तो ले लो, लेकिन अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? कैंसर. फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी रेशियो में फर्क नहीं पड़ता. तो इसके अंदर आपको क्या निकालना है? स्टार का टेम्परेचर T1 निकालना है. तो T2 इस तरफ ले जाएंगे और फोर्थ रूट ले लेंगे T1 का, तो ये रेशियो आएगी. E1 और E2 की रेशियो आपको पता है 17,000, T2 की वैल्यू आपको पता है 6,000. तो यहां से वैल्यू पुट करके आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा. दो बार अंडर रूट लेना पड़ेगा तो आपके पास आंसर आएगा. मेथड समझ में आ रहा है कि स्टीफन लॉ कैसे काम करेगा इसमें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Due to change in mains voltage, temperature of an electric bulb rises from 3000 Kelvin to 4000 Kelvin. पीछे से voltage change हुई, bulb में ज़्यादा रोशनी चली गई, उसका temperature बढ़ गया, 3000 से 4000 हो गया. What is percentage rise in electric power consumed? तो electric power उसने जो consume की, उसका percentage increase कितना था? अब power होती क्या है बताओ? देखो, मान लो एक bulb एक perfectly black body है. नहीं भी है, एमिसिविटी लगा लेना कोई दिक्कत नहीं. पर चलो अगर कुछ मेंशन नहीं है तो
सिंपल रिजल्ट लगाते हैं, तो इसमें ऐसे करने की बजाय ना ऐसे करते हैं, जो एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया है ना, मैंने करवाया था किसी भी बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए फॉर्मूला है, एनर्जी पर सेकेंड क्या है, पावर, पावर क्या है, सिग्मा इंटू टी की पावर 4 इंटू एरिया, क्लियर है। तो जब बल्ब का टेम्परेचर कितना था, 3000 केल्विन था, एरिया ए, तो ये उसकी पावर थी, इतनी पावर उसने ली। जब बल्ब का टेम्परेचर पी टू 4000 हो गया तो इतनी पावर ली, पावर बढ़ गई, उसने क्या पूछा, परसेंटेज इंक्रीज इन पावर, तो क्या होगा, पी टू माइनस पी वन बाय पी वन इंटू 100, बस यहां पर वैल्यू पुट करके सिग्मा और ए कैंसिल हो जाएगा, आंसर निकाल लो, आंसर आ गया, थोड़ा लंबा किया हुआ है, थोड़ा आसान है, पुट करके आंसर निकाल लो। समझ में आ रहा है कैसे करना है, पॉइंट समझ में आ रहा है, डाउट इसमें, तो पहले पावर निकाल लो पी वन, फिर पावर निकाल लो पी टू, और फिर परसेंटेज चेंज इन पावर निकाल लो। और अगर आपको ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं लेनी, आपको कंफ्यूजन है कि ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है मेरे बल्ब, तो कोई बात नहीं, आप एमिसिविटी ले लेना, ये भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपकी एमिसिविटी भी क्या हो जाएगी रेशियो में, अपने आप कैंसिल हो जाएगी, फर्क ही नहीं पड़ेगा इसमें। इसलिए ज्यादातर क्वेश्चन ना एमिसिविटी बेस्ड, एमिसिविटी ली नहीं जाती, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि रेशियोज ली जा रही है, और रेशियो में एमिसिविटी कैंसिल ही होने वाली है, पर बाय डिफॉल्ट अगर ना कुछ गिवन हो तो प्लीज उसे परफेक्टली ब्लैक बॉडी ही ले लें, और नहीं तो एमिसिविटी मांगोगे मैं कहां से दूंगा, है ही नहीं। ठीक है यहां तक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंसिडर दिस सन टू बी परफेक्टली स्फेयर ऑफ रेडियस गिवन, तो जो सन है वो एक स्फेयर है जिसका रेडियस गिवन, तो एरिया हम निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर। कैलकुलेट एनर्जी रेडिएटेड बाय सन इन वन मिनट, तो एनर्जी कितनी छोड़ेगा सन ये बताओ, कितनी एमिट करेगा एक 60 सेकेंड में, और आपको टेम्परेचर ऑफ सन पता है। अब रेडियस पता है तो एरिया पता है, एरिया की वैल्यू आ गई और समय कितने 60 सेकेंड में। तो ये फॉर्मूला किसका है, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला बोलो, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया को एरिया और टाइम से मल्टीप्लाई किया, तो ये चीज क्या बचेगी, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया को एरिया और टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी, सिर्फ एनर्जी। तो सिग्मा पता है, टेम्परेचर पता है, एरिया पता है और टाइम पता है, आंसर एनर्जी की वैल्यू आएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट, एट वॉट टेम्परेचर विल द फिलामेंट ऑफ 100 वॉट, 100 वॉट क्या गिवन है, पावर, लैम्प ऑपरेट इफ इट इज सपोज टू बी परफेक्टली ब्लैक बॉडी, भी पावर दे रहा है, टेम्परेचर पूछ रहा है और एरिया आपको दे रहा है, तो मुझे ये पता है इस क्वेश्चन के अंदर एनर्जी एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, ठीक है, कि वैल्यू क्या होती है, सिग्मा इंटू टी की पावर 4, मेरे को एनर्जी पर सेकेंड पता है क्या है, पावर डिवाइडेड बाई एरिया इज इक्वल टू सिग्मा इंटू टी की पावर 4, तो आपको पावर दे रहा है, एरिया दे रहा है, सिग्मा पता है क्या आएगा, टेम्परेचर, दो बार अंडर रूट लेना पड़ेगा, आंसर आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ये थोड़ा लंबा किया हुआ, ज्यादा आसान है।
ठीक है, तो इसके अंदर टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है आपने। नेक्स्ट है, ऐसी छोड़ना पड़ेगा यार, क्योंकि काफी बड़ी कैलकुलेशन हो नहीं पाएगी, ऐसी छोड़ देंगे। ये देखें, सपोज सरफेस एरिया ऑफ अ पर्सन बॉडी इज 1.8 मीटर स्क्वायर। तो एक बॉडी का एरिया गिवन है, रूम टेम्परेचर पता है, स्किन का टेम्परेचर 27 है। भाई स्किन का टेम्परेचर 27 है, बाहर का 20 है, तो हीट निकल निकल के बॉडी में से कहाँ जाएगी, सराउंडिंग में चली जाएगी। तो हीट बॉडी में से निकल के बाहर जाएगी। एंड इमिसिविटी 0.97 है, इसका मतलब ये बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, इसकी इमिसिविटी गिवन है। एस्टिमेट रेट दैट हीट रेडिएशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ पर्सन, रेट ऑफ हीट का मतलब क्या होता है, हीट एमिटेड पर सेकेंड क्या होगी। तो मुझे ये पता है, एरिया पता है, एमिसिविटी पता है, टेम्परेचर बाहर का बॉडी का 27 है, 300 केल्विन है, और सराउंडिंग का 293 है। तो इसके अंदर क्या लगेगा, इसमें फॉर्मूला ये लगेगा कि हीट या एनर्जी, हीट एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया का फॉर्मूला सिग्मा इंटू टी की पावर 4 माइनस टी नॉट रेज टू पावर 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इमिसिविटी से। अपने को क्या निकालना है, हीट पर सेकेंड निकालना है, तो एरिया को भी राइट साइड पे ले जाएं। सिग्मा पता है, टी पता है, टी नॉट पता है, इमिसिविटी पता है और एरिया पता है, मल्टीप्लाई करके हीट पर सेकेंड की वैल्यू आ जाएगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तो कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो एक बार खुद, ये मत देखना कॉम्प्लिकेटेड है, आप अपने ही करना। तो क्वेश्चन है, स्फेरिकल बॉडी विद रेडियस 12 सेंटीमीटर रेडिएट्स 450 वॉट पावर एट 500 केल्विन। रेडियस पता है तो एरिया आ जाएगा। तो कह रहा है कि 500 केल्विन के ऊपर 450 वॉट को पावर को वो बाहर छोड़ती है, एमिट करती। तो रेडियस को अगर आधा कर दें, टेम्परेचर को डबल कर दें, तो पावर रेडिएटेड क्या होगी, एक बात बताओ, पावर का फॉर्मूला होता क्या है। पावर का फॉर्मूला सिग्मा इंटू टी की पावर 4 इंटू एरिया होता है। तो एक काम करो, पहले केस में पावर कितने गिवन है, 500, तो 500 सिग्मा इंटू टेम्परेचर कितना गिवन है, नहीं पावर कितनी, 450 सॉरी, पावर की वैल्यू कितने गिवन है, 450, और टेम्परेचर कितना है, 500 रेज टू पावर 4 इंटू एरिया, इक्वेशन नंबर 1। रादर एरिया की जगह पे पुट करो पाई आर स्क्वायर, ज्यादा बेटर है, पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे केस में वो क्या कह रहा है कि पावर की नई वैल्यू क्या होगी जब टेम्परेचर को हम कर दें डबल। तो ये लो, टेम्परेचर तो मैंने कर दिया डबल और रेडियस को क्या कर दिया, हाफ। ये लो, ओ 4πr² आएगा राइट, क्योंकि स्फेयर है तो पाई आर स्क्वायर नहीं आएगा राइट, वैसे फर्क कोई पड़ेगा नहीं, पर हाँ बात तो सही है, 4πr² लिखना चाहिए हमें। तो इसमें क्या आएगा, एरिया स्फेयर का 4πr² और यहाँ पे क्या आएगा, 4πr/2 का होल स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेना और P डैश की वैल्यू कैन बी
कैलकुलेटेड आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि पावर का इसे क्या लेना देना है टेम्परेचर से, या एनर्जी का क्या लेना देना है टेम्परेचर से। तो दो केस बनेंगे, दो केस को सॉल्व करके आंसर, ठीक है यहां तक। ठीक, नेक्स्ट है, टू बॉडीज ए एंड बी आर केप्ट इन वैक्यूएटेड वेसल्स मेंटेन्ड एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। तो एक वेसल है जिसका टेम्परेचर 27 है, 27 है, ए का टेम्परेचर 527 डिग्री सेल्सियस है और बी का 127 डिग्री सेल्सियस है। तो इस रूम, मान लो ये रूम एक वेसल है, इसका टेम्परेचर 27 है, ए का टेम्परेचर काफी ज्यादा है 527 एक बॉडी, और इसी रूम में एक और बॉडी है बी, दोनों का टेम्परेचर 27 से ज्यादा है। तो दोनों की दोनों बॉडी सराउंडिंग को हीट क्या करेंगी, एमिट करेंगी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, ए भी रिलीज करेगी और बी भी रिलीज करेगी। कंपेयर द रेट्स एट विच हीट इज लॉस्ट फ्रॉम ए एंड बी। तो यही आपको कंपेयर करना है कि ए बॉडी कितनी हीट एमिट करेगी और बी कितनी एमिट करेगी, उसकी रेशियो निकाल दो। तो एक काम करते हैं, सराउंडिंग का टेम्परेचर 27 है, 300 केल्विन है, ए का टेम्परेचर, बी का टेम्परेचर क्लियर है। तो ए के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, ए का टेम्परेचर का 4 माइनस सराउंडिंग के टेम्परेचर का 4, और बी के लिए T24 माइनस T04। तो दोनों को डिवाइड कर दें, ए और बी का टेम्परेचर पता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर पता है। आंसर सॉल्व कैसे करेंगे, आइडेंटिटी लगाना मैथ की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो सिंप्लीफाई होकर सॉल्व होगा, नहीं तो चार पावर कैसे सॉल्व करेंगे, लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहां तक, क्या निकालना है, क्लियर है।